अब कंप्यूटर हर दूसरे घर में मिल जाएंगे और स्मार्टफोन तो बच्चे बच्चे की जरूरत बन गया है। शहर के कंप्यूटर लैब पीवी कंप्यूटर्स में एक बहुत बड़ी वारदात होती है कि सारे कंप्यूटर्स का डेटा चोरी हो जाता है। अभी तक उन्हें लग रहा था कि किसी ने पेन ड्राइव लगाकर डेटा चोरी किया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उन लोगों को समझ आ गया कि यहाँ कोई नहीं आया है। इसका मतलब उन पर किसी ने साइबर अटैक किया है। मेहुल ये खबर सुनता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मुझे इन साइबर क्रिमिनल का पता लगाना होगा। मेहुल पीवी कंप्यूटर लैब में जाता है और वहाँ के मैनेजर से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, कल शाम को मेरे कंप्यूटर पे एक ईमेल आया था, उस पर एक लिंक थी, मैंने उस लिंक पर क्लिक किया पर वहाँ कुछ भी नहीं था और उसके थोड़ी देर बाद सारे कंप्यूटर्स का डेटा चला गया। मेहुल उस लिंक को देखता है। तो क्या आप इस लिंक को देख के बता सकते हैं इसमें क्या गड़बड़ी है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये एक फेक लिंक है क्योंकि असली लिंक में HTTPS होता है, लेकिन इसमें HTTP है, ये तो कोई भलता ही एड्रेस है। लॉजिकल आर्मी, कोई भी एक्सटर्नल लिंक को क्लिक करते वक्त इस बात पे जरूर ध्यान दे कि आप कोई गलत लिंक में क्लिक ना कर देते, तो आपका फोन और लैपटॉप से डेटा चोरी हो सकता है। मेहुल उस लिंक को चेक करता है तो वो अकाउंट बंद हो चुका था, उन लोगों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि शहर की दूसरी सबसे बड़ी लैब डिजिटल कंप्यूटर्स में डेटा चोरी का मामला सामने आया है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से वहां के लिए निकल जाता है। मेहुल अपनी गाड़ी से उस लैब की तरफ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है। क्या तुम मुझे आगे वाली लैब तक लिफ्ट दे दोगे? बैठो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तुम उस लैब में क्या करते हो? मैं उस लैब में असिस्टेंट डेटा ऑपरेटर की नौकरी करता हूँ और पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पे था। दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। मेहुल वहां पहुंचकर तुरंत वहां के मैनेजर से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब कैसे हुआ? तब मेहुल उस आदमी से पूछता है जो उसके साथ आया था, क्या तुम इस घटना के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या हुआ होगा? तब वो व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता ये साइबर अटैक कैसे हुआ है। इसके बाद मेहुल वहाँ के डेटा ऑपरेटर से पूछताछ करता है तो वो कहता है, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है सर। मेहुल समझ जाता है कि ये सब किसने किया होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। ये सब उसी असिस्टेंट डेटा ऑपरेटर ने किया है जो मेहुल के साथ कार में आया था, क्योंकि वो एक हफ्ते से छुट्टी पर था। तो फिर उसे कैसे पता कि लैब में साइबर अटैक हुआ है? मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। तब वो असिस्टेंट डेटा ऑपरेटर बताता है कि उसे एक कॉल आया था और कुछ रुपए दिए गए थे और उसे कहा गया था कि उस लैब की सिक्योरिटी साइट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है। मेहुल उससे फोन नंबर लेता है जिससे उसे कॉल आया था, लेकिन वो नंबर बंद हो चुका था। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि कृष्णा कंप्यूटर्स में भी डेटा लीक हो रहा है और सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से वहां के लिए निकलता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। लगातार चलने की वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है और उसका इंजन जल जाता है। तभी मेहुल को दूर एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखती है। तो क्या बता सकते हैं मेहुल को इस गाड़ी से लिफ्ट लेनी चाहिए या नहीं? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इस गाड़ी में जो बंदा बैठा है उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, और टू व्हीलर्स में हमेशा हेलमेट पहन के चलाना चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। मेहुल उससे लिफ्ट नहीं लेता है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि कृष्णा कंप्यूटर का सारा डेटा लीक हो चुका है। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और जो उसे मोटरसाइकिल वाला मिला वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा था। मेहुल उसका नंबर नोट करके पुलिस को भेज देता है। फिर ठंडे दिमाग से सोचने लगता है कि पहली तीन चोरियां तो हो गई, लेकिन अगली चोरी कहां हो सकती है? शहर में टोटल 5 कंप्यूटर लैब्स है, पीवी कंप्यूटर लैब्स, डिजिटल कंप्यूटर्स लैब और कृष्णा कंप्यूटर्स लैब। यहां 3 तो चोरियां हो चुकी है और अगला है टेक सेंटर एंड लैब और एप्पल्स कंप्यूटर लैब। तो क्या बता सकते हैं दोनों में से चोरी कहां हो सकती है? ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले 3 लैब्स पीवी, डिजिटल और कृष्णा कंप्यूटर लैब्स है, मतलब चोर ऐसी लैब्स में चोरी कर रहा था जिनके नेम में कंप्यूटर लैब्स होता है, मतलब अगली चोरी एप्पल कंप्यूटर लैब में होने वाली है। मेहुल दूसरी बाइक वाले से लिफ्ट लेके तुरंत आदि के घर पहुंच जाता है। दी हैकर आदि, ये हैकर्स का बाप है, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो आदि उसे आसानी से हैक कर सकता है। आदि एकदम कूल बंदा है, हमेशा लाउड म्यूजिक सुनता रहता है। आदि मेहुल को अपनी कूल बाइक में लेके सीधा एप्पल कंप्यूटर लैब पहुंच जाता है। आदि लैब के सिस्टम में अपना एंटीवायरस पेन ड्राइव लगा देता है। थोड़ी देर बाद पूरे सिस्टम पर साइबर अटैक होता है। आदि उसे रोकने की कोशिश करता है पर सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है और आधे से ज्यादा डेटा चला जाता है। इसके बाद आदि अपने उस पेन ड्राइव से सारा डेटा उस सिस्टम में भेज देता है जहां से ये साइबर अटैक हुआ था, और थोड़ी देर बाद सिस्टम का सारा डेटा वापस आ जाता है। सभी खुश हो जाते हैं और आदि से पूछते हैं, आखिर तुमने ये कैसे किया? आदि ने उस डेटा के साथ एक खास तरह का एप्लीकेशन को उसी डेटा में मिक्स करके भेज दिया था,
और उस एप्लीकेशन ने जाकर हैकर्स के सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और सारा डेटा वापस आ गया। इसके बाद आदि उस लोकेशन को ट्रेस करता है जहाँ से हैकर सारा डेटा हैक कर रहे थे। ये लोकेशन तो पास में ही है, चलो आदि हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। मेहुल और आदि उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। वो लोकेशन एक दुकान के अंदर थी। मेहुल उस दुकान के अंदर जाता है पर वो दुकान पूरी तरह से खाली थी और वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उनकी नजर एक दीवार पर पड़ती है। तो क्या आप इस दीवार को देखकर बता सकते हैं यहाँ क्या गड़बड़ है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। दीवार को देखकर लगता है कि उसके एक छोटे से हिस्से को अभी अभी बंद किया गया है और उस पर पुताई की गई है। बिल्कुल ताजी दिख रही है और बाकी से अलग दिख रही है। मेहुल उस हिस्से को तोड़ देता है तो वहाँ कोई ईंट या पत्थर नहीं बल्कि थर्माकोल लगा हुआ था। मेहुल और आदि उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके बेसमेंट में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी लैब बनी हुई है। मतलब हैकर कोई एक नहीं बल्कि पूरी गैंग थी। आदि कंप्यूटर ओपन करता है और कंप्यूटर बिना किसी पासवर्ड से खुल जाता है। आदि तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, सारा डेटा डिलीट कर दिया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं आदि को ऐसा क्यों लगा कि कंप्यूटर में कोई डेटा नहीं है? सोचिए। क्योंकि इतने बड़े साइबर हैकरों का कंप्यूटर बिना पासवर्ड के तो हो नहीं सकता। आदि फिर भी कंप्यूटर्स को चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और इसी तरह वो वहाँ के सारे कंप्यूटर्स चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी आदि की नजर वहाँ रखे कंप्यूटर पे पड़ती है। आदि उसे देखता है और कहता है, ये कंप्यूटर तो 2 दिन पहले ही मार्केट में आया है और शहर में केवल एक ही दुकान है जहाँ 2 दिन पहले लॉन्च हुआ कंप्यूटर इतनी जल्दी मिल सकता है। हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। मेहुल उस दुकान पर जाता है और उस कंप्यूटर के मॉडल नंबर को दिखाकर उस दुकानदार से पूछता है, इस तरह के कंप्यूटर 2 दिनों के अंदर कितने लोगों ने खरीदा है? सर, ये कंप्यूटर मार्केट में 2 दिन पहले ही आया है और अभी तक केवल 3 लोगों ने खरीदा है। मेहुल एक एक करके तीनों लोगों के पास जाता है। बाकी 2 लोग तो उसे मिल जाते हैं पर रिहान गायब रहता है। मेहुल रिहान के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि रिहान एक इंटेलिजेंट इंजीनियर था पर कुछ साल पहले से वो कुछ गलत लोगों के साथ चला गया था और अब वो घर भी बहुत कम आता है। मेहुल रिहान की मम्मी के पास जाता है और उनसे कुछ बात करता है और इसके 20 मिनट बाद टीवी पर एक न्यूज आती है कि रिहान की मम्मी बुरी तरह बीमार हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो क्या बता सकते हैं रिहान की मम्मी को एकदम क्या हो गया? सोचिए। मेहुल ने मीडिया में ये झूठी अफवाह फैला दी थी ताकि ये खबर सुनकर रिहान अपनी माँ से मिलने आएगा और मेहुल उसे पकड़ लेगा। रिहान की माँ को हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे रखा जाता है। मेहुल ने रिहान को पकड़ने के लिए 3rd फ्लोर पे पूरी तैयारी कर रखी थी। मेहुल ने नीचे लिफ्ट में एक बोर्ड भी चिपका दिया था जिस पर लिखा था, ये लिफ्ट खराब है। रिहान जैसे ही टीवी पे ये खबर सुनता है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो जैसे ही लिफ्ट के पास जाता है तो देखता है वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि लिफ्ट खराब है। रिहान एक इंजीनियर था, वो तुरंत समझ जाता है इसका मतलब लिफ्ट खराब नहीं है, चलो कुछ गड़बड़ है, और वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर भागता है। मेहुल तुरंत उसका पीछा करता है। रिहान एक हरे कलर की कार से भाग रहा था। मेहुल उस कार का नंबर देख लेता है परंतु रिहान को पकड़ नहीं पाता, वो ट्रैफिक में फंस जाता है। मेहुल तुरंत RTO ऑफिस फोन करके पता करता है कि गाड़ी का नंबर किसका था और वो गाड़ी किसके नाम पर है और मेहुल फिर उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। मेहुल घर के बाहर का दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से एक आदमी आता है, तुम्हारी कार कहाँ है? मेरी कार तो पार्किंग में खड़ी है। मेहुल पार्किंग में जाकर उसकी कार को देखता है तो ये क्या, वहाँ तो सचमुच उसी नंबर की कार रखी हुई थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि पूरा मामला क्या है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ये दूसरी कार है क्योंकि जो कार रिहान चला रहा था उसका कलर ग्रीन था और ये कार तो व्हाइट कलर की है। इसका मतलब रिहान उस गाड़ी नंबर का डुप्लीकेट यूज कर रहा था, वो नकली नंबर था। मेहुल वापस रिहान की मम्मी के पास पहुंच जाता है। मेहुल को पक्का यकीन था कि रिहान अपनी मम्मी को जरूर कॉल करेगा ये जानने के लिए कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। और थोड़ी देर बाद रिहान अपनी मम्मी को कॉल करता है। मेहुल आदि की मदद से उसका कॉल ट्रेस कर लेता है और तुरंत पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रिहान की मदद से उसके बाकी साथी और गैंग को भी वो पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल और आदि रॉक्स।